वेलकम बैक टू द चैनल नेश वगैरह एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी एक व्लॉग ख़त्म किया और दूसरा चालू कर रहा हूँ। मैं जस्ट बाहर जाके आया हूँ एंड आई जस्ट हैड अ हेयर कट एंड जस्ट ट्रिम्ड एंड शेव्ड माई बियर्ड और थोड़ा सा मस्टैच को भी शेप दिया है। और अभी जस्ट नहा धो के रेडी हुआ हूँ और अभी फटाक से चेंज करता हूँ एंड आई हैव गॉट अ न्यू टी शर्ट फॉर माई बर्थडे। आई विल जस्ट शो एंड इट्स गोइंग टू बी अ बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। आज हम लोग तीन जगह पे जाने वाले और बहुत ही अलग अलग किस्म की जगह होंगी। एक जगह पे शायद से बहुत टाइम जाएगा, वो एक स्पेशल जगह से, वो वहीं पे जाके मैं आपको बताऊंगा। और फिर फ्रेंड्स के साथ थोड़ा लंच पे जाना है, फिर वहाँ से दो चार काम निपटाने अगर फिर टाइम बचता है, क्योंकि मुझे घर पे जल्दी आके फिर, और अभी 11:30 हो रहे हैं, सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे क्योंकि मैं जस्ट जाके आया हूँ। और भी दो गिफ्ट्स आए हुए तो वो मैं आपको सब बर्थडे के शाम में दिखाऊंगा और बहुत कुछ है। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल टी शर्ट। सो यहाँ पे एक लोगो बना है इंस्टाग्राम जैसा और यहाँ पे एक कपल और फिर लिखा है गेम ओवर सो दे आर मैरिड कपल। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही यूनिक था, इसलिए मैंने ये वाला टी शर्ट ऑर्डर किया है। अब से वापस मिलता हूँ, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो फर्स्ट सो गुड एंड दिस टी शर्ट इज जस्ट डोप करना। और दो चार चीज़ें उठानी है रास्ते में से, मतलब शॉप में से, मतलब ख़रीदनी है एंड आई एम रनिंग रियली आउट ऑफ टाइम एंड इसलिए मैं फटाफट ब्लॉग करने वाला हूँ और मैं ज़्यादा कुछ आज बताने वाला हूँ, फटाफट आपको बताऊँगा। एंड नाउ इट्स 12:30 हो रहा है अभी और मुझे पहुँचना है एक जगह पे और मैं फर्स्ट प्लेस जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक ओल्ड एज होम जो हमारे घर से 2 to 5 kilometers अवे है यहाँ से, और वो है दिलासा केयर सेंटर। सो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डालूंगा अगर आपको विजिट करना है तो। और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ऐसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत टाइम से जाना था, मतलब ऐसे फाइनली मी तिथे आलेलो है ओल्ड एज होममध्ये आणि जस्ट आम्ही आता बर्थडे सेलिब्रेट केलेला आहे माझा। सो इथले ओनर मतलब मेन मॅनेजर दिलासा केअर सेंटर आहे हे आपल्या सिडको ऑफिसच्या पाठीमागे नाशिकमध्ये राणा प्रताप चौकामध्ये। सो आहेत मिस्टर चंदन सर, तुम्ही सगळं माहिती सांगा आमच्या व्ह्यूअर्सला। या ठिकाणी आथर आथर आलेले आमचं ॲक्च्युली केअर सेंटर आहे, याच्यामध्ये जे पॅरालिसिस त्याच्यानंतर मेंटल रिटायर्ड हे सर्व जे एजड आहेत एजड पर्सन त्यासाठी आपण इथे खास लोकांच्या सेवेसाठी आपण हे दिलासा केअर सेंटर मार्फत आपण एक सेवा देत असतो आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला 10 वाढदिवस साजरा केला आहे आत्ताचा। त्याच पद्धतीने इथे जे कार्यक्रम आपण घेत असतो की त्याच्यातनं त्या वृद्धांना पण एक त्यांचं जे एंटरटेनमेंट हो आणि एक जो सोशल आपण जो संदेश देणार आहे तो पण इथे आपण त्यांच्यामार्फत त्या कार्यक्रमामार्फत आपण माहिती देऊ शकतो। त्यासाठी आपले दिलासा केअर सेंटर हे एक सामाजिक सेवा या माध्यमातून गेल्या 15-20 वर्षापासून काम करते आहे। आणि मायसेल्फ अथर्वा नितीन नानिवडेकर आणि मी MBA सेकंड इयरचा स्टुडंट आहे आणि मी MBA मार्केटिंग करतो आहे डॉक्टर मुंजे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये। आणि आज मी फर्स्ट टाईम असं चॅरिटी फंक्शनमध्ये आलेला आहे, म्हणजे माझा बर्थडे असं ठिकाणी सेलिब्रेट करतो आहे। युजुअली मी माझ्या फ्रेंड्स या फिर फॅमिलीसोबत आपण सेलिब्रेट करतो, बट मला यावेळी काहीतरी वेगळं करायचं होतं। सो मला मी असं जस्ट म्हटलं की ओल्ड एज होम किंवा ऑर्फनेज असं कुठेतरी मी जाऊन माझा यावर्षी बर्थडे सेलिब्रेट करेल। सो यावर्षी मी या ओल्ड एज होममध्ये येऊन माझा बर्थडे सेलिब्रेट करतो आहे। सो हे आहे दिलासा केअर सेंटर। सो गाईज आता आपण केक कटिंग करूया। मला तो फाइनली मैंने ले लिया, ये रहा स्किपिंग रोप ले लिया मैंने और ये कोनिक्स का है आप देख सकते हो कोनिक्स। सो ये मुझे 130 का बड़ा और काउंटिंग वाला आप देख सकते हो वहाँ पे। और मैंने ग्रीन कलर लिया क्योंकि ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अभी चलो फटाफट ली मैं पहुँच गया हूँ नवशा गणपति मंदिर है रहा पीछे एंड आई एम रनिंग वे आउट ऑफ टाइम। अभी मुझे तीन जगह पर और जाना है।
अभी चलते फटाफट, जस्ट पहुंच गया फटाफट अंदर जाते आते। आपले दर्शन झालेलं आहे पाठिंब्याचं। सो आता मी चाललो माझ्या फ्रेंडसोबत सेलिब्रेट करायला माझा बर्थडे। सो आता मी डायरेक्ट तुम्हाला हॉटेलमध्ये भेटतो। गाइस फाइनली अभी मैं आया हूँ। सो अभी मैं फिलहाल आया हूँ BTC के हाथ में और यहाँ पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन चालू है और यहाँ पे मेरे दो फ्रेंड्स आए हुए हैं। सो ड्यू टू प्राइवेसी आई एम नॉट सेइंग देम। सो वी विल जस्ट हैव आवर क्वालिटी टाइम एंड आई विल सी यू सम टाइम। सो आई एम जस्ट हैविंग अ मसाला मैगी एंड इज आदित्य एंड हम BTC के कैफे में बैठे चिल मार रहे सब। सोफा सो गुड। फिलहाल आए हूँ सौरव एग्जॉटिक एक्वाटिक्स एंड पेट शॉप में। तो सौरव एक्वाटिक एक्जोटिक शॉप में आपको मिल जाएगा दोनों भी। फ़ोन किया था मैंने, शोल्डर और लाइट अपन दोनों लेते हैं अभी, चलो लेट्स गो। फाइनली मैंने बास्किंग लाइट ले ली है और UVB 3.0 50 वॉट्स की और होल्डर भी ले लिया है और यहाँ पे आपको सारे पेट्स वगैरह मिल जाएंगे। देखो मेरे पीछे एक्वेरियम है, पेट्स की सारे एक्सेसरीज, डॉग बर्ड्स कैट्स और एक्वेटिक फिशेस सब के एक्सेसरी मिल जाएंगी। जो चाहिए डॉग की ब्रीड मिल जाएगी, कैट की ब्रीड्स मिल जाएंगी, इम्पोर्टेड केसर जैसे सब फिशेस मिलेंगी आपको। सो डू विजिट। सो आई जस्ट टेकन एंड मुझे सब 700 में पड़ा और यहाँ पे बहुत सस्ता है, बहुत रीजनेबल प्राइस में और ऑनलाइन पे वो 1400 का सेल करते हैं। सो इच्छा आप सौरव एक्जॉटिक एक्वेटिक्स एंड पेट्स में आके यहाँ पे खरीद सकते हो। सो अभी मैं निकलता हूँ। ओके लेट्स गो। पहली पेट शॉप में से मेरी शॉपिंग हो गई है और ये ले लिया मैंने टर्टल के बास्किंग लाइट का होल्डर, ये मुझे 350 का पड़ा और इसमें ये देखो और इसमें मुझे बास्किंग लाइट भी मिल गई है। ये वाली छोटी है और 75 वॉट्स की है और पहले 50 वॉट्स की देखी थी लेकिन फिर मुझे 75 वॉट्स वाली दिख गई तो मैंने बोला ज़्यादा इफेक्टिव ये रहती है, इसमें ज़्यादा वॉट्स है सो ज़्यादा पावर और ज़्यादा हीट और ज़्यादा UVB रेज है। सो ये वाली ली है। सो अभी जाना है मुझे केक शॉप पर वो पिकअप करने के लिए। सो या लेट्स गो। सो गाइस फाइनली काम हो गया है एंड आई हैव गॉट माय हैप्पी बर्थडे का टॉपर। सो बहुत ढूंढने के बाद मिल गया लेकिन मिल गया, चलो लेट्स गो। सो अभी निकलते हम लोग अपना केक लेने को जाना है अभी। अभी मैं फिलहाल मेरे अपार्टमेंट में आ गया हूँ और ये मैंने पेडिग्री लाया मेरे स्ट्रीट डॉग्स के लिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे ना। सो और ये अभी शाम का टाइम है और इसमें मैं थोड़ा स्पेशल बाहर गया था ये स्पेशल लेने के लिए क्योंकि मैं सुबह भूल गया था, जब मैं पेट शॉप गया था तब मुझे लाने का याद नहीं। और अभी पूरा डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गया, अभी सिर्फ थोड़े से ऊपर बलून्स चिटकाने और नीचे थोड़े बलून्स फुला के छोड़ देने। सो ये रहा कुछ ऐसा सेटअप लग रहा है। सो वहाँ पे ऊपर एक हैप्पी बर्थडे का बलून है, यहाँ पे थोड़े बहुत है और यहाँ पे फोटोज लगाए हैं, फोटो का LED बुके स्ट्रिप, फिर ऊपर भी हैप्पी बर्थडे का लगा है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एक बार पूरा डेकोरेशन हो जाने तो फिर मैं आपको आराम से दिखाता हूँ। और अभी यहाँ पे CD लगाई है और वो बलून्स फटाफट ऊपर लगाने, बस फिर वी आर गुड टू गो। सेटअप है यहाँ पे, एक हैप्पी बर्थडे टू यू का बलून है, फॉइल बलून, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे अथर्व लिखा है मैंने, वहाँ पे 24 दैट्स माय 24th बर्थडे, यहाँ पे एक चीयर्स और एक वाइन की बॉटल और यहाँ पे ब्यूटीफुल लिटअप किया है मैंने ये वाले सेक्शन को क्योंकि ये पूरा भर गया है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पूरा सेटअप किया है। सो यहाँ से मेरे सारे फ्रेंड्स और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन सब के साथ मेरी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई है मैंने, एक है हेड का बलून लगाया है और ये देखो ये मुझे कार्स बहुत पसंद है, मुझे स्पेशली ये हैप्पी बर्थडे का स्ट्रैप मिल गया तो मैंने ये ले लिया। सो इसके ऊपर कार्स की सारी गाड़ियां है, लास्ट में हडसन हॉर्नेट भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जैसे बलून ऊपर लगाने स्ट्रिंग के साथ, सो यहाँ पे स्ट्रिंग भी रेडी है, बलून का फुलाने वाला भी रेडी है। सो फार सो गुड। नाउ लुक दिस इज लिट अप, एक नंबर लग रहा है ये वाला सेटअप। भाई ओए काय मान हां बोल गया।
बर्थडे केक अभी थोड़ा सा डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा सा हिल गया है। सो दिस इज डॉग, यानी डैलमेशियन डॉग है, इसका नाम ब्लेसिंग है और ये मेरी ड्रीम बाइक है ZX6R। ये मेरा ड्रीम हाउस है, दिस इज माय मर्सिडीज। ये भी मेरी ड्रीम बाइक है मेरिडा बिग 40D और ये साइड से कुछ ऐसा दिखता है और ये मेरी ड्रीम है, इसलिए ये पूरा और ये पूरा थीम स्काई का है, इसलिए ब्लू क्रीम के ऊपर वाइट क्लाउड्स है और आगे लिखा था ड्रीम्स कम ट्रू, ये दिख रहा है आपको। अभी थोड़ा हिल गया और यहाँ पे लिखा है अथर्व। अभी मैंने केक कट किया है इसलिए फर्स्ट फूड और ये रहा पीछे मर्सिडीज का लोगो और ये सब फॉन्डेंट में बनाया है और बहुत अच्छा टचअप किया था। मैं लास्ट में पिक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। आई विल शो यू ऑल माय गिफ्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड। मेन वन दैट इज द स्क्वाइको मोटरसाइकिलिंग राइडिंग ग्लव्स जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे, सो फाइनली आई हैव गॉट इट और इसको मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको। सो दिस आर अ प्रीमियम क्वालिटी स्क्वाइको MC29 राइडिंग मेश ग्लव्स और ये विंटर्स और समर्स में यूज़फुल होने वाले। ये वाटरप्रूफ नहीं है और इसके अंदर बहुत अच्छा वाला नकल प्रोटेक्शन है ये वाला। ये न्यू स्टाइल है, यहाँ पे स्क्वाइको की ब्रांडिंग है और यहाँ पे भी स्क्वाइको की ब्रांडिंग है और ये बहुत अच्छे वाले ग्लव्स है और यहाँ पे फिंगर्स पे भी प्रोटेक्शन है। सो ये मेरे और मेरी बहन ने मिलकर ये गिफ्ट लिया है मेरे लिए। फिर ये मुझे मेरे अंकल ने गिफ्ट किया ये वाला और ये है टर्टल, मेरे जो टर्टल है उसके लिए बास्किंग लैंप और उसका होल्डर। सो ये मेरे दूसरे फ्रेंड ने मुझे स्किपिंग रोप दिया है, मुझे अभी ये बहुत टाइम से चाहिए था सो स्किपिंग रोप भी मिल गया। ये मेरे दादी ने मुझे दिया है जो मैंने आपको परसों दिखाया था मीवी का जो पार्सल आया है, सो उसमें आया ये मीवी के डिओ पर M20। इसको हम लोग सब स्क्वाइको के ग्लव्स और M20 हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अनबॉक्स करेंगे। फिर मेरे दो फ्रेंड्स ने ये डेरी मिल्क दिए, एक सिल्क, एक मोमल कैडबरी और ये मॉम ने मुझे लव और हार्ट वाली किचन दिए और ये मेरे दो भाइयों ने अलग अलग एक ब्लू शर्ट और एक टी शर्ट दिए। सो या सो फार सो गुड। बर्थडे वॉज वेरी वेल सेलिब्रेटेड। सो सुबह सुबह उठे हम लोग, शॉपिंग करके आए, फिर वहाँ से गया मैं ओल्ड एज होम से मैं गया। फिर जो बर्थडे के लिए मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए थे क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स वो नासिक में नहीं रहते और मेरी एक बहन है वो भी नासिक में नहीं रहती, सो वो आउट ऑफ नासिक रहते, सो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किए थे पैसे और वो बोले तेरे को जो चाहिए था वो ले। सो इसलिए मैंने स्क्वाइको के ग्लव्स, फिर वो हीटिंग लैम्प और स्किपिंग रोप ले लिया था उनकी तरफ से, तो मुझे वो यूज़फुल था इसलिए मैंने लिया और मुझे बहुत टाइम से राइडिंग ग्लव्स चाहिए थे। सो फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन द ब्यूटिफुल स्क्वाइको एंड वो भी मैचिंग है ब्लैक एंड रेड, मेरे जिक्सर के साथ मैच होते हैं ब्लैक एंड रेड, इसलिए स्पेशली वो मैंने लिए। एंड फिर वहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट किया मेरे फ्रेंड्स के साथ, फिर घर पर आया थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर बर्थडे की पूरी तैयारी की वो, इसलिए मैंने थोड़ा उस टाइम ब्लॉग नहीं किया था। फिर पूरा डेकोरेशन किया क्योंकि उसमें पूरे 2 घंटे चले गए मेरे, इसलिए मैं कुछ ब्लॉग नहीं किया। फिर आपने देखा मेरा स्पेशल एडिशन ड्रीम्स कम ट्रू वाला, इट वॉज अ ड्रीम केक और वो सबसे यूनिक केक था और उसको बनाने के लिए आंटी को 2 दिन लगे थे क्योंकि वो मर्सिडीज को बनाने में पूरा 1 दिन उनका चला गया था क्योंकि वो पूरा फॉन्डेंट में बनाया था और वो बहुत ही यूनिक केक था। उन्होंने भी मुझे बताया कि आज तक उन्होंने ऐसा केक नहीं बनाया था और उन्होंने बहुत मेहनत ली थी, सो थैंक यू
किमीज क्रीमी क्रिएशन। सो मैं उसका इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप नासिक से हो तो फॉन्डेंट केक सा कौन सा भी केक आप उनसे बना सकते हो, रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा और बहुत अच्छा क्वालिटी, टेस्ट, डिज़ाइन, फिर सब कुछ A1, 10 out of 10। फिर सर्वेशन किया, फिर गिफ्ट्स तो एक नंबर। पिछले साल भी अच्छे गिफ्ट्स मिले, इस साल भी अच्छे, अगले साल और अच्छे, और अगले साल अपने साथ एक और स्पेशल मेंबर रहेगा घर पे, वो रहेगा अपना डॉगी। हाँ, और फिर फॉन्डेंट का डॉगी भी बनाया था, लेकिन वो थोड़ा डिलीवरी के टाइम पे वो थोड़ा हिल गया था, क्योंकि आपको पता है इंडिया के रास्ते थोड़े से ख़राब है इसलिए। और फिर एक हाउस भी बनाया था उसके ऊपर, फिर फोटोज़ वगैरह लगा के वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, लेकिन अभी वो केक मैंने थोड़ा श्रिंक हो गया था, लेकिन इट्स ओके, सो फार सो गुड। केक वॉज ऑसम, टेस्ट एक नंबर, ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर था, ऊपर से ब्लूबेरी का क्रीम विथ वैनिला क्लाउड्स थे, और उसके ऊपर ड्रीम्स कम ट्रू लिखा था, सो दैट आर माई ड्रीम, गोल्डन मर्सिडीज, अ हाउस, अ डॉग एंड अ स्पोर्ट्स बाइक एंड गेटिंग मैरिड सून, दैट ऑल्सो ड्रीम। सो चलो, आई होप आपको बर्थडे सेलिब्रेशन वाला लॉग पसंद आया होगा, या सो फॉर गुड। और हमने फेक स्नोफॉल किया वो भी आपको पसंद आया होगा, तो उसके लिए लाइक दबा देना। सो इफ़ यू लाइक टुडेज व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू इन द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू नाइस वगैरह। तो अभी इसमें चेंज करूँगा, सो जाऊँगा, शब आगे बाय। और मुझे अभी तक मेल्स और मैसेजेस को रिप्लाई करना बाकी, टोटल 100 मैसेजेस पेंडिंग है इंस्टा एफ बी व्हाट्सएप पे, सो अभी सबको मुझे रिप्लाई भी करना है आज के दिन में, सो अभी मैं फटाक से उनको रिप्लाई करता हूँ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद के होगा अपन मीवी के डियो पॉड्स अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद स्कॉयको के ग्लव्स अपन अनबॉक्स और फर्स्ट लुक रिव्यू बनाएंगे, और उसके बाद में आपको वो जो बॉक्स दिखा था उसका वीडियो आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोज़।